नमस्कार आप सभी का स्वागत है आज हम बात करेंगे बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स फोर्थ सेमेस्टर की सिलेबस की कि आपके फोर्थ सेमेस्टर में एनएपी के तहत न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत कौन कौन से पेपर्स आपको फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ने हैं तो एक बार स्ट्रक्चर देखें अगर आपका जो सिंगल डिसिप्लिन कोर्स सब्जेक्ट है यानी बी ए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस पॉलिटिकल साइंस तो उसके अंदर आपकी जो कोर्सेज हैं जो पेपर है उसमें आपको तीन डिसिप्लिन स्पेसिफिक पेपर्स को पढ़ना पड़ेगा जिसमें से तीन डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्सेज में से जो फोर क्रेडिट्स के हैं आपको तीन पेपर पढ़ने पड़ेंगे तो ये जो तीन स्पेसिफिक जो डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्सेज हैं डी ये जितने भी पॉलिटिकल साइंस ऑनर के जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने जिनका फोर्थ सेमेस्टर है जिन उन सभी के लिए ये कॉमन पेपर्स हैं तो इन कॉम पेपर्स के अंदर जो सबसे पहला जो डिसिप्लिन है स्पेसिफिक पेपर में जो है वो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया अब देखिए ये नया पेपर है ये बीए प्रोग्राम वाले स्टूडेंट्स ने भी इनको इसको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है और ये जो बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस है ये आप फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ने जा रहे हैं तो देखिए इस पेपर का ये क्या है ये टोटली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया यानी भारत के अंदर जो जो प्रशासनिक है जो सार्वजनिक कार्यालय हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो किस तरीके से वर्क करता है वो कौन कौन से है उसका स्ट्रक्चर क्या है उसको पढ़ना पड़ेगा तो देखिए इसमें जो सिलेबस में अगर आप देखोगे तो सबसे पहला जो यूनिट है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन यानी यूपीएससी सिविल सर्विसेज कैसे इवॉल्व हुआ और सिविल सर्विसेज किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूट होता है उसका कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या है अपॉइंटमेंट ट्रेनिंग तो जो सिविल सर्विसेज है उसके बारे में फिर उसके बाद पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस कैबिनेट सेक्रेटेरिएट जो दिल्ली में है आपको याद होगा तो ये इनके क्या क्या रोल्स हैं मेजर इनिशिएटिव इन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स जो एड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स से रिलेटेड जितने भी कमीशन है जितने भी आ, आयोग बने हैं उनके बारे में पढ़ना है फिर उसके बाद जो सेकेंड यूनिट है डिसेंट्रलाइजेशन एज ए डिस गवर्नमेंट यानी पंचायती राज पी के बारे में और जो अर्बन बॉडीज हैं उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा उसके बाद जो थर्ड यूनिट है वो आपका बजट सेंट्रिक है जिसमें ऑफ बजट बजट क्या क्या है in क्या है साइकिल इन इंडिया टाइप ऑफ बजट्स में कैसे बजट जो बजट है वो कैसे इवॉल्व हुआ है टाइम टू टाइम कि कौन कौन से उसके फॉर्म्स हैं या फिर जो टाइप ऑफ बजट है जिसमें लाइन आइटम हो गया परफॉर्मेंस प्लानिंग बजट हो गया जीरो बेस बजटिंग हो गया उसके तो इसके बाद हम देख रहे हैं कि जो बजट मेकिंग है द रोल ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री ये सब करना है इस बजट वाले सेक्शन में उसके बाद जो फोर्थ यूनिट है जो कि हमारा टेक्नोलॉजी इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता है यानी ई गवर्नेंस की बात करता है तो जो फोर्थ यूनिट है टेक्नोलॉजी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जिसमें हम ई गवर्नेंस इनिशिएटिव जर्नी ऑफ ई गवर्नेंस इंडिया में किस तरीके से ई e गवर्नेंस आया ये ऑफ नेंस uh, e फिर उसके बाद केस स्टडी के तौर पे हमें जो यहाँ पे डील करना है वो डिजिटल इंडिया मिशन डील करना है उसके बाद जो फिफ्थ यूनिट है जो कि सोशल वेलफेयर पॉलिसीज हैं कि जो पॉलिसीज uh, रही है गवर्नमेंट की एजुकेशन से राइट टू एजुकेशन हेल्थ में नेशनल हेल्थ मिशन फूड में राइट टू फूड सिक्योरिटी एम्प्लॉयमेंट में बन रहेगा तो इसको हमें पढ़ना है पॉलिसी के Uh, संदर्भ में यानी सोशल वेलफेयर के कंसेप्ट में उसके बाद जो लास्ट जो है जो कि इशूज एंड डिबेट्स इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन है जो कि एथिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन जो कि आपका जो सेकेंड ए है सेकेंड ए का जो फोर्थ रिपोर्ट है उसको प्राइमरी डील करता है उसके बाद अकाउंटेबिलिटी आर लोकपाल सिटीजन चार्टर्स रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव देखिए ये जो पे, ये जो पेपर है इसका जितना भी कंटेंट है वो हमारे आ, चैनल ड्यू पॉलिटिकल साइंस के चैनल पे अवेलेबल है और इसका एक पर्टिकुलर प्लेलिस्ट बनाया हुआ है जो कि आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में क्या होता है कि आपको लेक्चर वाइज जो टॉपिक वाइज जो लेक्चर हैं वो सारे अवेलेबल होते हैं तो प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा इस पेपर का प्ले क्योंकि ये बी प्रोग्राम सेकेंड सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर में भी था उसके बाद जर्नलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट जेंडर सेंसिविटी एंड जेंडर पार्टिसिपेशन ये सभी uh, लगभग टॉपिक्स जो हैं ये हमारे ड्यू uh, पॉलिटिकल साइंस चैनल पे अवेलेबल है प्ले लिस्ट एक बार आप जाके देखिए तो पहला जो डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स है वो आपका यहां पे आ जाता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया उसके बाद जो दूसरा डिसिप्लिन स्पेसिफिक पेपर है वो है कंसेप्ट इन कंपेरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस तो ये हमारा जो दूसरा पेपर है एक तरह से आ, कई बार इसे बोलते हैं सीपीए बोलते हैं कि कंपेरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस तो कॉन्सेप्ट इन कंपेरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस है तो इसके अंदर जो फर्स्ट यूनिट है जो कि सोशो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करता है तो बेसिकली इसमें आपको जो स्ट्रक्चर है जो कैपिटलिज्म का कैसा स्ट्रक्चर है सोशलिज्म का कैसा स्ट्रक्चर है कॉलोनियलिज्म का कैसा स्ट्रक्चर रहा है न्यो लिबरलिज्म क्या है ये स्ट्रक्चर के फॉर्म में आपको पढ़ने हैं और उसके बाद जो दूसरा जो कन, दूसरा जो यूनिट है वो है डिस्कोर्स ऑन नेशनलिज्म इसमें नेशनलिज्म को हमें पढ़ना है इसमें गांधी माओ फ्रांस फैन एंड अदर्स उसके बाद जो तीसरा यूनिट है वो है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म देखिए इसका लेक्चर अवेलेबल है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का जो कि आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म सर्च करिएगा तो मिल जाएगा आपको कि उसका आइडिया से आया क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है हमने डेमोक्रेसी वाले पेपर में हमने करा था और उसके बाद जो फोर्थ यूनिट है वो आपको फेडरलिज्म है कि जो फेडरलिज्म है वो किस तरीके से उसका हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट क्या, क्या था फेडरेशन एंड कन्फेडरेशन में क्या डिबेट है उसके बाद जो फिफ्थ यूनिट है स्टेट एंड रिजीम टाइप की स्टेट और रिजीम कैपिटलिस्ट वेलफेयर पॉपुलिस्ट एंड सिक्योरिटी स्टेट तो ये आ, स्टेट एंड रिजीम टाइप हमारा फिफ्थ यूनिट हो गया सिक्स्थ यूनिट है इलेक्ट्रोल सिस्टम जिसमें आपको जो इलेक्ट्रल सिस्टम है जिसमें टाइप ऑफ इलेक्ट्रल सिस्टम में जिसमें फर्स्ट पास द पोस्ट आता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन आता है मिक्स्ड रिप्रेजेंटेशन आता है और जैसे कि जो अगर आप देखेंगे ये जो हमारे एमपी और एमएलए का जो चुनाव होता है वो कौन सी पद्धति से होता है वो आपके फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम से होता है उसके बाद जो सेवन्थ यूनिट है वो है पार्टी सिस्टम अब देखिए ये पार्टी सिस्टम आपने और भी टॉपिक्स में पढ़ा होगा मगर यहाँ पे क्या है इसमें आपको कंपेरेटिव वे में पढ़ना पड़ेगा कि कंपेरेटिव uh, वे में पार्टी सिस्टम कैसे इवॉल्व हुआ कैसे इमरजेंस हुआ टाइप ऑफ पार्टी सिस्टम ये सब हम टॉपिक करवाएंगे तो आपका जो दूसरा जो डिसिप्लिन स्पेसिफिक पेपर हुआ आपका हो गया कंसेप्ट सीपीए कंपेरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस सीपीए तो ये पहला हो गया आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया दूसरा आपका हो गया कंसेप्ट एंड कंसेप्ट इन कंपेरिटिव पॉलिटिकल एनालिसिस उसके बाद जो तीसरा जो डिसिप्लिन स्पेसिफिक पेपर जो है इस बार वो है ग्लोबल पॉलिटिक्स अब देखिए ये जो पेपर है ये आपका आई का एक तरीके से पेपर हो जाए तो ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर आपको कितनी फोर्थ यू, चार यूनिट पढ़नी पड़ेगी तो सबसे पहला है लोकेटिंग ग्लोबल पॉलिटिक्स ग्लोबल पॉलिटिक्स को आप कैसे लोकेट करते हैं उसके बाद है चेंजिंग नेचर ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स कैसे चेंज हो रहा है ग्लोबल पॉलिटिक्स का जैसे जिसमें आप पढ़ोगे ग्लोबलाइजेशन डी ग्लोबलाइजेशन पोस्ट ग्लोबलाइजेशन जियो पॉलिटिक्स जियो इकोनॉमिक्स जियो स्ट्रेटजीज टेरिटराइजेशन एंड डीटेरिटोरलाइजेशन, कल्चरल फ्रेम्स ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स उसके बाद जो थर्ड यूनिट है वो है कंपेरेटिव ग्लोबल इशूज कि जिसमें इकोलॉजिकल इशूज हो गया क्लाइमेट चेंज इंटरनेशनल इन्वामेंटल एग्रीमेंट्स प्लोरिफेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स ये जो आ, आपका आई का पार्ट है सारा उसके बाद ग्लोबल टेरिज्म इम्पैक्ट माइग्रेशन ह्यूमन सिक्योरिटी और जो फोर्थ जो यूनिट है वो आपका ग्लोबल सोशल मूवमेंट है कि ग्लोबल लेवल पे कौन कौन से जिसमें से आपका इन्वायरमेंटल मूवमेंट हो गया विमेन मूवमेंट हो गया पीस मूवमेंट्स हो गया तो ये जो आपकी जो तीन डिसिप्लिन तीन एक तरह से जो पेपर है कोर जिसमें ग्लोबल पॉलिटिक्स आपका लास्ट जो पेपर है ग्लोबल पॉलिटिक्स ग्लोबल पॉलिटिक्स और देखिए ये तो हो गया आपका ये जो तीन जो डिसिप्लिन स्पेसिफिक है जितने भी फोर्थ सेमेस्टर में स्टूडेंट है इन सभी को ये तीन पेपर पढ़ने ही हैं। उसके बाद देखिए ये जो आपका जो दूसरा सेक्शन है जी का जो पेपर होता है जर्नल इलेक्टिव ये आप कोई सा भी ऑप्ट कर सकते हैं जैसे पॉलिटिकल साइंस भी ऑफर करता है तो हिंदी हिंदी भी ऑफर करता है हिस्ट्री भी ऑफर करता है वो इकोनॉमिक्स भी ऑफर करता है तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन से सब्जेक्ट का एक जी का पेपर लेना है हुँ. तो एक आपका जी का पेपर हो गया वो भी आपका चार क्रेडिट का ही होगा जनरल इलेक्टिव उसके बाद आपका आता है एक्ट का पेपर आ, यानी एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्स एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स ये आपका दो क्रेडिट का पेपर होता है और ये जितने भी ये वाले जो पेपर थे ये भी फोर क्रेडिट्स के ही होते हैं क्रेडिट्स एक uh, का पेपर आपका दो क्रेडिट का इसमें आप आपका इन्वायरमेंटल साइंस या फिर uh, अगर ये आपका ऑफर हुआ आई तो आप कर सकते हैं नहीं तो आपको ज्यादातर ज्यादा मात्रा में आपको ज्यादातर यही सिचुएशन रहेगा कि आपको ईवीएस पढ़ना पड़ेगा तो एक तरह से ईवीएस का आगे का वर्जन आपको पढ़ना पड़ेगा ई का उसके बाद हम देखते हैं कि uh, फिर एक पेपर होता है आपका सेक का पेपर सेक का देखिए जो लिस्ट था जो पीछे इससे पहले जो आपने जो सैक के पेपर पढ़े हैं उन पेपर को छोड़ के जो कि ये देख सकते हैं इसमें जिन जो पेपर आपने पढ़ लिया उसको छोड़कर और हो सकता है कि नई लिस्ट भी आए तो उसमें से आप सिलेक्ट करके एक सैक का पेपर भी आपको पढ़ना होगा उसके बाद हम देखते हैं कि आपका एक सैक का पेपर हो गया जो दो क्रेडिट का है कोई भी आप पेपर सेलेक्ट कर सकते हैं सेक में उसके बाद है आपका वैक का यानी वैल्यू एडिशन कोर्स सेक का मतलब होता है स्किल इनहसमेंट कोर्स और ये आपका हो गया वैक का वैल्यू एडिशन कोर्स ये भी आपका टू क्रेडिट्स का होगा तो आ, अब जो भी आपने वैल्यू ये भी कोर्स ऑफ ये जो वैक का जो लिस्ट होगा कोर्सेज में से उसमें से आप एक सिलेक्ट कर सकते हैं तो आपका ये तो ये इस तरीके का आपका फोर्थ सेमेस्टर का भी फ्रेमवर्क रहेगा और अभी से आप अपना पढ़ाई स्टार्ट करिए जो डिसिप्लिन स्पेसिफ़िक है और अगर आप अगर ऑनलाइन पढ़ रहे हैं हमारे ही लेक्चर देख रहे हैं तो आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप जितनी भी लेक्चर्स देखें तो आप अपने नोट्स बनाएं खुद भी एक नोटबुक अपने पास रखिए क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब ऑनलाइन लेक्चर्स आप देखते हैं तो आप वो कई बार लिखते नहीं हैं और वो मिस हो जाता है तो नोट्स बनाने की कोशिश करें और अपने आंसर राइटिंग टाइम टू टाइम अपने चेक करते रहें लिखते रहिए क्योंकि आंसर राइटिंग इज ऑल अबाउट स्किल ये आपका स्किल है क्योंकि जितना अच्छा आपका रिप्रेजेंटेशन होगा उतने अच्छे आपके नंबर आएंगे और चीज़ों को समझ के पढ़िए देखिए अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो टॉपिक है ये जितना भी पेपर है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये आपका यू हो गया एस हो गया इन सभी के अंदर ये टॉपिक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये कोई बाहर के नहीं है और ये आपकी आ, आगे आने वाली लाइफ में भी आपको पता चलेगा जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको आर के बारे में पता होगा लोकपाल के बारे में पता होगा सिटीजन चार्टर के बारे में तो ये आपकी एबिलिटी को ही इनहैंस करेंगे आपको सिस्टम को समझने में सरकार से बात करने में भी आपको ये मदद करेंगे तो चीज़ों को अच्छी तरीके से पढ़िए और एक दिन में अगर आप ये सब सोचेंगे कि नहीं एक दिन की तैयारी के बाद ही एग्जाम से दो तीन दिन, दिन पहले पढ़ेंगे तो पास हो जाएंगे देखिए पास तो देखिए अब वो हर किसी की एबिलिटी है अब पास हो रहा है कोई तैंतीस परसेंट से पास हो रहा है कोई साठ परसेंट से पास हो रहा है तो उसमें फ़र्क है तो अपनी अपने पढ़ाई को जारी रखें चीज आ, पढ़ाई को लेकर सीरियस में अपनी ठीक है बाकी अगर आपका कोई सुझाव हो तो आप हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं प्लीज़ लाइक करें सब्सक्राइब करें और जितने भी टॉपिक्स हैं एक बार देख लीजिए सर्च कर लीजिए हमारे यूनिट्स अवेलेबल हैं इस इस पेपर को लेकर और और कोई सजेशन या कोई कुछ डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कि वीडियो की उसमें कमेंट करके बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का दिन मंगलमय हो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब